Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is Clustered Index. Clustered Index हम database में कब बनाते हैं? इसके लिए दो conditions हैं. First of all, data जो है वो ordered होना चाहिए. मतलब जो file, जो data आप hard disk के अंदर डाल रहे हो, secondary memory के अंदर डाल रहे हो, वो data ordered होना चाहिए. मतलब sorted होना चाहिए. And non-key, मतलब unique नहीं होना चाहिए. Data sorted तो हो, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू नहीं होगी, तब हम क्लस्टर इंडेक्स को यूज करेंगे. की का मतलब डेटा जो है वो यूनिक नहीं है. तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया. लेट्स से देयर इज अ टेबल. एक टेबल है डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉई नेम एंड फोन नंबर. तो डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं. तो अगर ये वैल्यूज कैसे रिपीट करेगी, लाइक डिपार्टमेंट वन में एम्प्लॉई ए, डिपार्टमेंट वन में एम्प्लॉई बी, डिपार्टमेंट टू में एम्प्लॉई सी, डिपार्टमेंट टू में एम्प्लॉई ए, बिकॉज नेम्स कैन ऑल्सो रिपीट, डिपार्टमेंट नंबर्स विल ऑल्सो रिपीट. सो यहां पे मेरी सर्च की क्या है, मतलब मैं किस बेस पे सर्च कर रहा हूं. लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे सर्च कर रहा हूं. तो डिपार्टमेंट नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यूज रिपीट हो रही है, लेकिन डेटा सॉर्टेड है. तो इस केस में कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स. अब हम बात करते हैं इंडेक्स टेबल कैसे बनेगा. अगर इस टाइप का डेटा हो तो इंडेक्स कैसे बनेगा उसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपका डेटा रिपीट कर रहा है, यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स टेबल में भी वो यूनिक नहीं होगा. इंडेक्स टेबल में तो आप एक वैल्यू डालो. मतलब इंडेक्स टेबल में आप अगर मल्टीपल वंस हैं, आप इंडेक्स टेबल में सिर्फ वन के लिए वन, टू के लिए वन टू थ्री फोर फाइव, लाइक दैट. अब होगा क्या, वन के लिए यहां पे पॉइंटर जो है वन के लिए वो पॉइंट करे, टू के लिए यहां पे टू के लिए अगर मैं पॉइंटर बनाऊं तो वो कहां पॉइंट करेगा, वो भी यहीं पे पॉइंट कर रहा बिकॉज टू वैल्यूज ऑल्सो देयर. थ्री के लिए अगर मैं पॉइंटर बना रहा हूं तो वो कहां पॉइंट करेगा, यहां पे. और फोर के लिए अगर मैं बोलूं तो फोर के लिए जो पॉइंटर है वो यहां पॉइंट करेगा, फोर वैल्यू के लिए. अब ये देखो, अगर मुझे वन को सर्च करना है मैं इस ब्लॉक में, टू को सर्च करना है तब भी इसी ब्लॉक में, थ्री को सर्च करना है मैं इस ब्लॉक में. मतलब हम ट्राई करते हैं कि ये थ्री वैल्यूज एक ब्लॉक में फिट हो जाए, फोर वैल्यूज एक ब्लॉक में फिट हो जाए, फाइव फाइव एक में फिट हो जाए, सिक्स सिक्स एक में फिट हो जाए. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है वन की वैल्यूज कम हो, टू की वैल्यूज ज्यादा हो. तो इस केस में होता क्या है, लेट्स से ये देखो फोर, फोर वैल्यूज कुछ यहां पे फिट हो गई लेकिन कुछ फोर वैल्यूज मेरी नीचे वाले ब्लॉक में भी है. तो हम फिर सर्च कैसे करेंगे. अगर लेट्स से आई वांट टू सर्च द डेटा रिलेटेड टू डिपार्टमेंट नंबर फोर, तो जैसे मैं फोर पे गया, फोर मुझे ले गया इस ब्लॉक में. जैसे हम लिखते हैं ना, जब हम एग्जाम में भी कई बार क्या होता है, हम लास्ट में लिख देते हैं पीटीओ. पीटीओ का मतलब है कि नेक्स्ट पेज पे भी वहां पे कुछ ना कुछ आंसर लिखा हुआ है. तो वही पॉइंट यहां पे है कि 444 यहां पे है लेकिन कुछ 4 की वैल्यूज दूसरे ब्लॉक में भी चली गई बिकॉज इस ब्लॉक में फिट नहीं हो सकी. तो फिर उसको कैसे सर्च करेंगे. तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ब्लॉक हैंकर का. ब्लॉक हैंकर ये एक और एक्स्ट्रा जो है पॉइंटर यूज हो रहा है जिसका नाम है ब्लॉक हैंकर. तो जहां जहां पे भी अगर डेटा आगे शिफ्ट हो रहा है, जैसे इस केस में टू यहां पे आ गया, वन फिट हो गया, थ्री भी फिट हो गया, फोर, अगर लेट्स से फाइव नेक्स्ट ब्लॉक में आ रहा है तो फाइव के लिए एक और ब्लॉक हैंकर हम यहां पे लगा देंगे. तो यहां पे सर्च थोड़ा सा सर्चिंग का क्राइटेरिया बढ़ गया. अब यहां पे अगर आप सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले आप इंडेक्स टेबल में सर्च करोगे, तो इंडेक्स टेबल में तो ऑब्वियसली डेटा हमेशा यूनिक होगा और दूसरा ऑर्डर भी होगा. तो आप क्या लगाओ, बाइनरी सर्च लगाया, लॉग बेस टू एन. एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्स, इंडेक्स टेबल. मतलब इंडेक्स टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, दैट इज एन. तो इससे आपको मिलेगा एक पॉइंटर जो हार्ड डिस्क में जो डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा है, प्लस वन, बिकॉज आपको वहां जाके भी तो सर्च करना है ना, उस जगह पे जाके एक्चुअल में डेटा को सर्च करना है. लाइक अगर आपको फोन नंबर ढूंढना है तो फोन नंबर तो यहां पर है, तो प्लस वन यहां. लेकिन क्या प्लस वन से चल जाएगा, बिकॉज प्राइमरी इंडेक्स में तो प्लस वन से चल जाता है, यहां पे प्लस वन से नहीं चलेगा. हो सकता है ब्लॉक हैंकर भी लगा हो, तो प्लस वन नहीं, प्लस मोर देन वन वैल्यू,
मीन्स हो सकता है प्लस वन या प्लस टू या प्लस थ्री, मतलब मिनिमम लॉग टू एन तो लगेगी लगेगी प्लस एक्स्ट्रा, बिकॉज ब्लॉक एंकर भी तो आगे सर्च करने पड़ेंगे मुझे, मतलब एक ब्लॉक की बजाय दो तीन ब्लॉक्स को भी सर्च करना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी इंडेक्स जैसे कि मैंने बताया था स्पार्स होता है, तो क्या ये स्पार्स बनेगा या इंडेक्स ये डेंस बनेगा? स्पार्स, क्योंकि हर वैल्यू के लिए आप एक पॉइंटर यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल वंस है एक पॉइंटर, मल्टीपल टूज है एक पॉइंट, मल्टीपल थ्रीज है एक पॉइंटर, तो क्लस्टर इंडेक्स इज ऑल्सो ऑलवेज स्पार्स, इट इज ऑल्सो स्पार्स ऑलवेज। और तीसरा पॉइंट, प्राइमरी इंडेक्स और क्लस्टर इंडेक्स दोनों के केस में अगर आपसे पूछ ले क्या एक टेबल पे या एक डेटा पे मोर देन वन प्राइमरी इंडेक्स बना सकते हैं या मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं, बनाने को तो बना सकते हो बट नो नीड टू क्रिएट, क्योंकि अगर टेबल में भी तो हमारी एक प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की आप बना ही नहीं सकते, तो ऐसी एक से ज्यादा प्राइमरी इंडेक्स और क्लस्टर इंडेक्स नहीं बना सकते, एट मोस्ट वन, या तो बनाओ ही मत, सर्चिंग आपकी फिर ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लेगी। अगर आप चाहते हो कि आयो कॉस्ट कम हो तो इंडेक्स बनाओ, प्राइमरी या क्लस्टर, लेकिन दोनों ही क्या है एट मोस्ट वन, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये क्लस्टर इंडेक्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये स्पार्स होगा या डेंस। दूसरा सर्च, सर्च याद रखना कि इंडेक्स टेबल में सर्च करने का टाइम है लॉग एन प्लस वन, बिकॉज मुझे डेटा को सर्च करना है, और एक और वन एड क्यों किया, हो सकता है ये कुछ फोर की वैल्यूज नीचे वाले ब्लॉक में भी हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टर इंडेक्स। थैंक यू।